नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। आज की वीडियो उस परेशानी के बारे में है जिसे हर लड़की या महिला शायद हर हफ्ते या हर दिन गुजरती है, मगर किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाती और ना ही किसी डॉक्टर से संपर्क करके सलाह ले पाती है। इससे बचने के लिए खुद ही घरेलू नुस्खों या सुनी सुनाई बातों का उपचार मानकर इस परेशानी को दूर करने में लगी रहती है। आज हम वेजाइनल इन्फेक्शन और इससे जुड़ी समस्या, कारण और उपचार के बारे में बात करेंगे। महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल इससे लाखों महिलाएं ग्रस्त होती है। इस बारे में वो किसी से खुलकर चर्चा भी नहीं कर पाती और सही उपचार भी नहीं अपना पाती। वास्तव में यह संक्रमण प्रजनन के समय अधिक तेजी से होता है। प्रजनन यानी कि जब आप ओव्यूलेट कर रही होती है। हार्मोनल स्तर के निरंतर घटने बढ़ने से बैक्टीरिया या यौन गतिविधि के कारण योनि से जुड़ी समस्या होती है। योनि में यानी कि आपकी वेजाइना में ईस्ट संक्रमण अधिक जननांगों में होने वाला फंगल संक्रमण है। इसके कारण जलन, खुजली और योनि स्राव होता है। यह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। 4 में से 3 महिलाओं को पूरे जीवन काल में एक बार ईस्ट संक्रमण का अनुभव हो जाता है। यह फंगस संख्या में तेजी से वृद्धि करती है और योनि के उत्तकों को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि आपके सेल्स को डैमेज करती है। किस उम्र की लड़कियों या महिलाओं में ज्यादा होता है यह संक्रमण? सबसे अधिक महिलाओं में वेजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन 25 से 35 उम्र के बीच होता है। इस दौरान वेजाइना में तेज इचिंग के साथ ही येल्लो या ग्रे कलर का डिस्चार्ज भी होता है। यह डिस्चार्ज किसी पेस्ट की तरह या वॉटरी भी हो सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत है। अब जानते हैं कि आखिर वेजाइनल इन्फेक्शन का मेन कारण क्या हो सकता है। गर्भ अवस्था में एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ स्तर गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में ईस्ट संक्रमण का कारण बनता है। इसका दूसरा कारण है पीरियड्स। पीरियड्स के दौरान आपके हार्मोन के स्तर में परिवर्तन होता है जो कि आपकी योनि के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जो कभी कभी ईस्ट संक्रमण का भी कारण बन सकता है। एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ स्तर जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें एस्ट्रोजन का स्तर सामान्य से अधिक होता है, जो ईस्ट संक्रमण की संभावनाएं बढ़ा देता है। शुगर, किसी भी प्रकार की डायबिटीज होने पर ईस्ट संक्रमण होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। एंटीबायोटिक्स का सेवन आपकी सेहत को अच्छा रखने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स को नष्ट कर देता है, जिसके कारण ईस्ट वृद्धि करके संक्रमण कर देता है। नए जनरेशन की लड़कियां वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने और खुद के वेजाइना को क्लीन रखने के लिए बिना डॉक्टर या जानकार की सलाह लिए बाजार में मौजूद बिकने वाले वेजाइनल वॉश के इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? अमेरिकी कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी महिलाओं को डाउजिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता है। आपकी वेजाइना को हेल्दी पीएच संतुलन को स्वाभाविक रूप से बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है ये प्रोडक्ट। इससे इन्फेक्शन, परेशानी और ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स का भी कारण बन सकता है। क्या है इनके उपचार? पीरियड्स के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपनी जरूरत के अनुसार 4 से 6 घंटे के अंतराल पर सैनिटरी पैड जरूर बदलें। फ्रेग्रेंस वाली पेंट्री लाइनर इस्तेमाल ना करें। वेजाइना को केवल सादे पानी से धोएं, साबुन का इस्तेमाल ना करें। अगर पति पत्नी दोनों में से किसी को भी संक्रमण है तो सेक्स से दूर रहें। स्विमिंग के बाद प्राइवेट पार्ट की सफाई का विशेष ध्यान रखें। बेहतर यही होगा कि संक्रमण के दौरान स्विमिंग से दूर रहें और नहाते समय बाथ टब का इस्तेमाल ना करें। हमेशा अच्छी क्वालिटी के कॉटन अंडर गार्मेंट्स का इस्तेमाल करें। ऐसे कपड़े को वॉशिंग मशीन के बजाय हाथों से धोएं और उन्हें हमेशा धूप में सुखाएं। गर्मियों के मौसम में जब अधिक पसीना आता है तब दिन में 2-3 बार अंडर गार्मेंट्स बदलें, क्योंकि पसीना भी इस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। लंबी यात्रा के दौरान पर्सनल हाइजीन के प्रति विशेष सावधानी बरतें। मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स या चॉकलेट पेस्ट्री जैसी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें। अगर खुजली जैसी कोई लक्षण नजर आए तो अपने मन से किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। कुछ दवाओं के सेवन और ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से यह समस्या जल्दी ही दूर हो जाती है, लेकिन उपचार को बीच में अधूरा ना छोड़ें और डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी निर्देशों का पालन करें। यह जानकारी आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हुई ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हेल्थ इश्यूज और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए देखते रहें इससे न्यूज़। धन्यवाद।